हर बार की तरह इस बार भी डॉक्टर महेश यादव ने अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन के बैनर के तले मिस भारत 2024 का भव्य आयोजन किया, जिसमें तीन कैटेगरी मिस्टर मिस मिसेस रखी गई। इसका शानदार आयोजन दिल्ली के YMCA में रखा गया। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में फॉर्मर डिप्टी स्पीकर तिब्बत पार्लियामेंट आचार्य एशी फुनसोक और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, गेस्ट ऑफ ऑनर ट्रेडिशनल सिंगर और आर्टिस्ट तेचुंगला मौजूद रहे। जजेस के रूप में साक्षी खुराना और डॉक्टर नुपुर शर्मा मौजूद रही। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की शायना ठाकुर मिस भारत 2024 की विजेता बनी, मिसेस अखंड भारत नुपुर शर्मा बनी, मिसेस भारत हिमाचल की मालती बनी, मिस हिमाचल जम्मू की सुमन वर्मा बनी, मिस्टर रिपब्लिक ऑफ इंडिया विजेता विलेश शर्मा रहे। बबीता ठाकुर टीम कैटेगरी विजेता बनी। जब हमारे संवाददाता ने डॉक्टर महेश यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं 2012 से विश्व शांति पर्यावरण देश में अमन चैन अखंड भारत जैसे कार्यक्रम कर रहा हूं और इसमें यूथ को आगे बढ़ाने का भी कार्य कर रहा हूं। साथ ही मेरे शो में किसी भी प्रकार का अंग प्रदर्शन नहीं किया जाता। नारी खुद में ही एक खूबसूरती की मिसाल है, बस अपना हुनर दिखाने की जरूरत है। उन्होंने आखिरी में देश के युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की और क्या कुछ कहा सभी लोगों ने, आगे सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन पिछले 2012 से विश्व शांति, पर्यावरण, तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, बहुत सारे मुद्दे जो हैं देश के जो गंभीर मसले हैं, जो भारत सरकार और NGO को जो काम करते हैं उस मुद्दों पर अपने खर्चे पे आंदोलन अवेयरनेस जगा रहा है। वो खासतौर से हम यूथ को आगे करते हैं, बच्चों को। आज जैसे गांधी जी गांधीवाद को आज जरूरत है, तो गांधीवाद को अगर जिंदा रखना है तो यूथ को आगे लाना होगा, क्योंकि यूथ के दिमाग में गांधी जी के प्रति बहुत नफरत बढ़ी है। तो आज का कार्यक्रम था कि एक भारत की एक तो देशभक्ति हो, भारत जनता को अपना मोरल हो, क्योंकि अगर आज हम देश के लिए लड़ना चाहते हैं तो हम ज़रूरी नहीं हम फौज पर खड़े हों, ये ज़रूरी नहीं हम पायलट हो या कोई भारतीय वायुसेना में हो या थल सेना में हो या कहीं भी हो। देशभक्ति हम घर बैठे भी कर सकते हैं, हमारी ड्यूटी होती है। तो हम जो बच्चे हैं उनको अवेयर करते हैं कि आप 10 मिनट समय दें देश के लिए, है ना। अगर सड़क पे कोई गंदा पड़ा है या कोई क्राइम होते हुए देख रहे हैं तो आपकी ड्यूटी, आपके हाथ में मोबाइल है, उसको देखें और लोगों को सचेत करें, सरकार को सचेत करें। NBC News के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।